दोस्तों आप लोग संदीप माहेश्वरी जी को तो जानते होंगे, इनके YouTube चैनल और मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। जब ये संदीप माहेश्वरी जी पढ़ाई किया करते थे उस टाइम पर इनके दोस्त इनका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। हो सकता है आपका भी कोई ना कोई मजाक उड़ाता हो। ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने मजाक को हैंडल करना सीख जाएंगे। उस टाइम संदीप माहेश्वरी जी अपने मजाक को कैसे हैंडल किया करते थे, सुन लीजिए आप भी। तो हुआ क्या, जैसा कि स्कूल में होता है कि मेरा जो स्कूल का ग्रुप था, दोस्त है, उनको तो कोई टॉपिक चाहिए होता है ना, कोई मुर्गा चाहिए होता है। स्कूल में यही होता है सबके साथ में, स्कूल कॉलेज में, कि ग्रुप बना हुआ है, एक को मुर्गा बना लिया और सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरे स्कूल का मुर्गा मैं था। मेरे स्कूल का जो ग्रुप था उसमें वो मुझे पकड़ते थे। मेरा नाम संदीप से बदल करके मेरे स्कूल में, और ये चीज़ करीबन 12th स्टैंडर्ड तक चली थी, संदीप से बदल करके मेरा नाम हो गया था उंगली। तो वो उंगली आ रहा है, उंगली आ रहा है, उंगली आ रहा है, कोई मुझे उंगली मार बोलता था। कहता यार तेरे से अच्छा तो उंगली मार डाकू था, उसने औरों की उंगलियों को मारा, तूने खुद की उंगली तो मार दिया। तो ऐसी ऐसी तरह तरह की चीज़ें होती थी। एक आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ग्रुप में जब खड़े होते थे तो सब आपस में पूछते थे, कहते यार ये संदीप क्या करेगा, घी कैसे निकालेगा, वो तो बेचारा रूखी रोटी खाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। और भी कोई भी टॉपिक चल रहा होता था, कोई भी, मतलब किसी और टॉपिक के बारे में बात हो रही है और सबका हंसने का मन कर रहा है, तो वो घूम फिर के फिर मेरी उंगली पे आते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, 12th स्टैंडर्ड तक मुझे बहुत गुस्सा आता था जब भी कोई मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाता था। बाहर बाहर से मैं दिखाने के लिए कई बार हंसता था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही थी। कई कई बार मेरी लड़ाई हो जाती थी उन लोगों से। वो मुझे एक बोलते थे, मैं उनको चार बोलता था, और बातों बातों में बहस हो गई, कई कई बार हाथापाई भी हो गई, लड़ाई हो गई, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 12th स्टैंडर्ड पहुँचते पहुँचते मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दो चीज़ों को लेकर के बढ़ गई। एक, ये जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे उनसे रिलेटेड, जो भी मेरे दोस्त थे, सो कॉल्ड दोस्त। दूसरी मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई भगवान से, कि आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, कि अगर उस दिन वो बॉटल वहाँ नहीं होती और मेरी उंगली यहाँ पे इस तरीके से नहीं हुई होती, क्योंकि बच्चे का दिमाग ऐसे ही होता है। तो मेरे को अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन हो गई कि यार काश मेरे साथ में ये नहीं हुआ होता, मेरी उंगली ठीक होती तो मेरा इतना मजाक नहीं होता जितना अभी हो रहा है, मतलब हर बात का मजाक। ये थी मेरी 12th स्टैंडर्ड की। उसके बाद में मैं कॉलेज में गया और वहाँ पर मेरा एक दोस्त बना, उसको पोलियो था और वो सीधे तरीके से चल नहीं सकता था, तो उसके पास में हमेशा बैसाखियाँ होती जिसके सहारे से वो चलता था। उस बंदे की एक खास बात थी कि उसको कभी भी, मतलब मैं कॉलेज में 2 साल रहा हूँ और मैंने कभी भी उस बंदे को इतना सा भी परेशान नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मतलब उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं, यहाँ पर सलवटे तक नहीं, हमेशा हंसता खेलता रहता मजे में। और उसकी क्वालिटी क्या थी जो मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा एक बंदा देखा था, पहली बार, कि वो खुद की वीकनेसेस का, खुद की कमियों का खुल करके मजाक उड़ाता था। और लोगों को जहां पर उसके ऊपर तरस आता था उसको नहीं आता था अपने ऊपर तरस, वो अपना मजाक उड़ाता और सब हंसते और सब उसको प्यार करते। मतलब खुद तो अपना मजाक उड़ाता था और हंसता था और सब साथ में हंसते थे, लेकिन उसका मजाक कोई नहीं उड़ाता था। तो ये चीज मेरे लिए नई थी और मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसके साथ में रहा, उससे इस चीज को मैंने सीख लिया। इस क्वालिटी को जो उस बंदे के अंदर थी, मैंने कहा कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे इस चीज को सीखना है कि खुद पर कैसे हंसा जाता है। और इसको मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। पहले अपना थोड़ा थोड़ा सा मजाक उड़ाया, ये किया, वो किया, अपनी वीकनेसेस का, अपनी उंगली का ही मैंने थोड़ा थोड़ा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा। तो मैं बाहर से कोशिश तो कर रहा था मजाक उड़ाने की, लेकिन अंदर ही अंदर उड़ा नहीं पा रहा था। लेकिन इस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते कुछ महीने बाद मैं इस चीज़ में परफेक्ट हो गया, मतलब फिर मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं होती। और मैं आपको एक अपना एक बहुत ही एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ लाइफ का, जो अगर पहले वाला संदीप होता, मतलब कि वो स्कूल वाला संदीप, तो वो बैठ करके रोता, चीखता, चिल्लाता। लेकिन ये जो कॉलेज वाला संदीप था, जो सीख गया था अपने ऊपर हंसना, उसने बड़ा इन्जॉय किया, उसके लिए वो मज़ा था, मस्ती थी।